हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जीरे वाले आलू। उसके लिए जो हमें चाहिए उबले हुए आलू। आलूओं में मैंने थोड़ा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था, और नमक इसमें टू टेस्ट जाएगा, ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून, एंड इसमें हल्दी जो है 1/2 टीस्पून जाएगी। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के 10-15 मिनट के लिए आलूओं को हमने छोड़ देना है। और फिर जब इसका मसाला बनाने के लिए जो है, टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का 1 अदद डाला था इसके अंदर, और अनियन जो ग्रीन वाला होता है प्याज वो 1 अदद, और ऑयल जो है ऑयल इसमें 3 से 4 टेबल स्पून गए थे। जब ये ऑयल में मैंने क्यूमन सीड डाल दिया था, जब थोड़ा फ्राई होने लग गया था, इसमें टमाटर एंड अनियन, नमक और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी सूखी हुई 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। मसाला अच्छी तरह से भून के इसके अंदर हमने आलू डाल देने उबले हुए, और इसको ज़रा अच्छी तरह से टोस्ट कर लें, भून लें। ज़्यादा चमचना ही चलाइएगा, क्योंकि आलू उबले हुए हैं वो फिर टूटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए जो भी है, एंड में हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे, और गरम मसाला, और अगर आप चाहें इसके अंदर लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला, ये आपकी मर्ज़ी है। साथ टेस्ट करती जाएगा, मसाला बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो जगह जाएगा ना तो फिर अपसाइड डाउन हो सकता है। तो ज़रूर हमने ये ट्राई करना है। थोड़े डिफरेंट होते हैं ये आलू, और बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे मर्ज़ी सर्व कर सकते हैं। और मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।